जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन ग्वालियर जंक्शन के बारे में और यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है अजय परिहार ने। जानेंगे ग्वालियर जंक्शन से जुड़ी सभी तरह की जानकारी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर जो कि सामरिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर ने प्राचीन स्मारकों, किलों और महलों को अच्छी तरह से सहज कर रखा है। वर्तमान में ग्वालियर शहर एक आधुनिक शहर है और यह एक जाना माना औद्योगिक केंद्र भी है। यह शहर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी में विकसित होने वाले शहरों की सूची में चुना गया है। और अगर हम बात करें ग्वालियर रेलवे स्टेशन की, तो दोस्तों ग्वालियर रेलवे स्टेशन ग्वालियर शहर का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित है और जो कि झांसी रेलवे डिवीजन में आता है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन को कई बार स्वच्छता के संदर्भ में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है GWL और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 211.52 मीटर। इस रेलवे स्टेशन के अगर हम प्लेटफॉर्म की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 4 तक बड़ी रेलवे लाइन और 5 नंबर प्लेटफॉर्म छोटी रेलवे लाइन के लिए बना हुआ है। यहाँ की रेलवे लाइनों की अगर हम बात करें तो 6 बड़ी रेलवे लाइन और 1 छोटी रेलवे लाइन यहाँ से निकलती है, जिसमें दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग, आगरा भोपाल रेलखंड और ग्वालियर इंदौर रेल मार्ग यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख ट्रेनें जैसे गतिमान एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें ग्वालियर में अपना ठहराव लेकर आगे बढ़ती है। और यह रेलवे स्टेशन भारत के कई छोटे बड़े महानगरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह एक 3 लाइन वाला विद्युतकृत रेलवे स्टेशन है जहां से विद्युत द्वारा संचालित ट्रेनों का आवागमन होता है। नजदीकी रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो बिरला नगर जंक्शन यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर और मोती झील रेलवे स्टेशन यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन एक ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है जहां अब इसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होकर इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन पर आपको ठहरने के लिए रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा वेटिंग हॉल, पार्किंग, ऑटो, स्वचालित सीढ़ियाँ, भोजन आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अगर हम ट्रेनों की बात करें तो करीबन 165 ट्रेनें यहाँ पर अपना ठहराव लेकर आगे बढ़ती है। वहीं 11 जोड़ी ट्रेनें ग्वालियर जंक्शन से शुरू होकर वापसी में यहीं पर अपनी यात्रा को पूर्ण करती है, जिसमें 8 राजधानी एक्सप्रेस, 4 शताब्दी एक्सप्रेस, 2 गरीब रथ एक्सप्रेस, 48 मेल एक्सप्रेस, 1 एसी एक्सप्रेस, 3 एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 3 पैसेंजर ट्रेन्स, 2 मेमू ट्रेन्स, 5 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 2 दुरंतो एक्सप्रेस, 90 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 4 हम सफर ट्रेन शामिल हैं। और दोस्तों अगर हम ग्वालियर जंक्शन से ही शुरू होने वाली ट्रेनों की बात करें तो इसमें है 11126 ग्वालियर रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को। 11107 ग्वालियर बनारस बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्रतिदिन। 11123 ग्वालियर बरौनी मेल एक्सप्रेस प्रतिदिन। 01887 ग्वालियर इटावा पैसेंजर प्रतिदिन। 01889 ग्वालियर भिंड पैसेंजर प्रतिदिन। 01884 ग्वालियर बिना पैसेंजर प्रतिदिन। 12198 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। 22194 ग्वालियर दौंड साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस
हर शनिवार को। 2199 ग्वालियर बलरामपुर सुशासन साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर बुधवार को। और 2547 ग्वालियर साबरमती बीजी त्रिसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर बुधवार शनिवार और रविवार को। तो दोस्तों ये थी ग्वालियर रेलवे स्टेशन की एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।